नमस्कार किसान तक में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ हूँ पवन। मेरे साथ मौजूद है CIFE मोतीपुर के प्रधान वैज्ञानिक है डॉक्टर मोहम्मद अखलाकुर। सर आपका स्वागत है। सबसे पहले बताइए कि अभी जो फिश फार्मिंग है वो इसका क्रेज काफी बड़ा है, इसके लिए सबसे जरूरी क्या चीज़ होती है? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं अपनी तरफ से और अपने कैबिनेट की तरफ से और जो हमारा संस्थान है केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई उसके तरफ से सभी दर्शक बंधुओं का अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने दशकों से मिट्टी का उपयोग अपने संसाधन के रूप में किया है, लेकिन जल का मिट्टी के समानांतर उपयोग नहीं कर पाए हैं, जो उसकी अपार संभावना है हमारे यहाँ। और हम जल को मिट्टी के समानांतर उपयोग करके इसका उपयोग हमारे आय के लिए, रोजगार के लिए और पोषण सुरक्षा के लिए हम कर सकते हैं, और जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और युवा एवं किसानों को आय का जो सोर्स है एक संसाधन के रूप में उपयुक्त हो जाए। हाँ, तो बेसिक चीज क्या चाहिए मछली पालन के लिए, आपके पास क्या क्या होना चाहिए? मछली पालन के लिए जो सबसे अहम चीज है उसको मैं चार चीजों को बताना चाहूंगा दर्शकों को। पहला जो चीज होता है ना तकनीक हमारे पास होना चाहिए, जिसको हम TIME से जोड़ते हैं चार चीजें तकनीक। दूसरा है हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ फंड होना चाहिए, और जो तीसरा चीज है वो आपका मॉनिटरिंग सही होना चाहिए पालन के तकनीक का और आपका जो सिस्टम है। और चौथा चीज जो आपको एक्सपीरियंस, जब आप कोई काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बार में बड़े स्केल से करें, हम छोटा से उसको शुरू करें, फिर जो हमको अनुभव हो उस अनुभव के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चार चीजों का होना बहुत जरूरी है जो एक व्यक्ति में होना चाहिए। साथ में आपके पास संसाधन की उपलब्धता हो, अगर आप तालाब से मछली पालन करना चाहते हैं तो जमीन या मिट्टी होना चाहिए, तालाब होना चाहिए। फिर दूसरे जो उन्नत तकनीक है जैसे RAS बैकलॉग, तो इसके लिए भी जगह आपके पास हो और साथ साथ आपको तकनीकी जानकारी। तकनीक का आपने अभी जिक्र किया और अब लगातार जो है मछली पालन में इसका जिक्र होता रहा है, तकनीक में कितना बदलाव आया है? एक वो दौर था जब एक आदमी जाल लिया और चला गया मछली मारने के लिए, अभी उसमें कितना बदलाव है? मछली पालन के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है घटते जा रहे हैं, जमीन प्रति व्यक्ति जो होनी चाहिए वो घटता जा रहा है, तो हमको कम जमीन से बेहतर उत्पादन लेना है तो उसमें तकनीक की उपयोगिता सबसे अग्रसर है, सबसे आगे है। तो यदि हम तकनीक की बात करें जो पहले से चली आ रही है तालाब विधि से मछली पालन, तो तालाब विधि से मछली पालन में भी वैज्ञानिक पद्धति से आप करें, जो संचयन का तकनीक है, तालाब खोदने का तकनीक है, पानी की गुणवत्ता मॉनिटर करने का तकनीक है, उसको बेहतर तरह से प्रबंधन आप सीखते हैं और वैज्ञानिक विधि से करते हैं तो उत्पादन आपको बेहतर मिलता, आय बेहतर मिलता। उसके समानांतर कुछ जो है सो सघन खेती, जिसको हम इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक बोलते हैं, जैसे RAS है, बायोफ्लॉक है, इंटीग्रेटेड मल्टीट्रॉपिक एक्वाकल्चर सिस्टम है, या दूसरे टैंक बेस्ड सिस्टम है, जो कि कम जगह पे हम बेहतर उत्पादन ले सकते हैं, तो वैसे तकनीक का अनुभव और उसकी जानकारी युवाओं को या किसानों को होने से उस तकनीक का बेहतर उपयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ज्यादा नई तकनीक का इस्तेमाल और बेहतर तरीके से प्रबंधन मछली पालन के क्षेत्र में तरक्की का एक नया मंत्र साबित हो रहा है। कई ऐसे युवा हैं जो इस क्षेत्र में काफी आगे अच्छा कर रहे हैं और बेहतर पैसे भी कमा रहे हैं, रोजगार का एक बेहतर विकल्प के तौर पर इसे अपना रहे हैं। इसके साथ साथ जो पोषण की बात होती है, फूड सेफ्टी की बात होती है, वो भी लोगों को मिल रही है, लोगों तक पौष्टिक भोजन सस्ते में पहुंच रहा है। तो मेरे साथ किसान तक में इतना ही, ऐसे ही और खबरें देखते रहिए। नमस्कार।